बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में चला धूल भरी आंधी का दौर। धूल भरी आंधी चली है और आज भी जारी रह सकता है आंधी का और लू का दौर। कई जिलों में आंधी और लू का अलर्ट है, दो तीन दिन जारी रह सकता है ऐसा ही मौसम, क्योंकि कल भी धूल भरी आंधी चली और आज भी ऐसा ही मौसम रह सकता है। इसके अलावा आने वाले एक दो दिन इसी तरह का मौसम नजर आ सकता है। तो प्रदेश में बदलता हुआ मौसम, मौसम का मिजाज एक बार बदला है फिर से, क्योंकि लगातार गर्मी कड़ी पड़ रही है, तपती धूप में लोग परेशान हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अब कई जिलों में धूल भरी आंधी का दौर चल रहा है और यही दौर अभी भी आगे जारी रह सकता है, यानी आंधी और लू का दौर आगे भी जारी रह सकता है। कई जिलों में आंधी और लू का अलर्ट है, दो तीन दिन ये मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। क्योंकि अभी एक दो दिन पहले की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया था कि बूंदाबांदी हो सकती है जयपुर शहर में या पश्चिमी इलाके जो हैं वहाँ पर। और अब क्योंकि आंधी के दौर के लिए अलर्ट किया गया है कि आंधी चल सकती है और आंधी जिस तरह से कल भी नजर आई थी उसी तरह का दौर आगे भी एक दो दिन नजर आ सकता है, क्योंकि अभी तपती गर्मी पड़ रही है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस बार जो मानसून है वो नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा और अभी जो गर्मी है वो इसी तरह की देखने को मिलेगी। लू और आंधी का दौर भी इस दौरान नजर आ सकता है, इस बात की चेतावनी एक दो दिन पहले भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी। और आंधी चली और यही जो दौर है वो दौर आने वाले समय में भी नजर आ सकता है, एक दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। यानी लू से जो है वो लोगों को अभी आगे भी परेशानी हो सकती है। राजीव जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, तो अगर पश्चिमी इलाकों की बात करें या जोधपुर की बात करें, गर्मी बहुत तेज है और इसी के साथ आंधी लू का दौर भी शुरू हो गया है। निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान में जिस तरीके से पिछले चार दिनों से गर्मी पड़ रही है, हालांकि चार दिन पहले जो संभावना थी कि बहुत अधिक बारिश होगी वो तो नहीं, आंधी का दौर आकर के चला गया। हालांकि जैसलमेर और फलोदी के इलाके में बारिश हुई थी। बात जोधपुर की करें, सूर्यनगरी के नाम से विख्यात है कि सूर्य सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं डालता है। आज सुबह की बात करें, सुबह 6 बजे से जिस तरह उमस का और अब दिन में कल दिन भर पूरा जबरदस्त गर्म रहा था, लू की हवाएं और जिस तरीके से लू के थपेड़ों के बीच में आम जनजीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता। हालांकि कल रविवार था, अधिकांश लोगों ने इसको घर पर बिताया, लेकिन बहुत जरूरी काम हो तो निकलना पड़ता है। नौकरी पेशा लोग तो चलो आराम करते, लेकिन जो मजदूरी करते हैं जिनको सुबह से शाम तक अपने काम पर रह करके दो पैसे कमाने होते हैं, तो ऐसे में चुनौतियां काफी है। अभी मई और जून बाकी है, आप सोचिए कि अभी ये स्थितियां हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे हालात क्या होंगे। खासतौर पर जैसलमेर बाड़मेर जो भारत और पाकिस्तान के सेक्टर में दोनों जिले हैं, वहां पर भी गर्मी का भारी आलम है। और इस वक्त अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो पशुधन को बचाने की बड़ी चुनौती है पश्चिमी राजस्थान में, जब रेगिस्तान का जो ऊंट है वो ले पशुधन जितने भी गाय है जितने भी ले, क्योंकि ग्रामीणों के लिए किसानों के लिए बड़ी चुनौती होती है। जो एक कैलाश रत्नू है जिनका ऊंट के जो विशेषज्ञ कहे जाते हैं, उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो को पूरी रेगिस्तान के अंदर खेतों के अंदर जहां उनकी जरूरत होती है, तो ऐसे पशुधन को बचाने एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। खुद के ससज ठंडे पेय पदार्थ तो अपन ले सकते हैं, जानवरों के लिए भी काफी उसका जो खेलियां हैं, प्रशासन ने निर्देश भी दिए हैं कि जो कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने ग्रामीण इलाके पशुओं की खेलियां वो पानी से लबरेज रहे, जिससे कि पानी की कमी वहां नहीं रहे। जी ठीक है राजीव, लेकिन जिस तरह अभी गर्मी पड़ रही है और मई जून में जिस तरह गर्मी पड़ेगी, उससे मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्या इस बार मानसून जो है वो किस तरह का रहने वाला है, क्या प्रभाव उसका पड़ेगा? देखिए, जो हमारी चर्चा हुई उस आधार पर उनका कहना है कि पिछली बार से गर्मी जो है वो पड़ेगी उसमें इतनी नहीं है। लेकिन देखिए, राजस्थान की धरती खासतौर पर पश्चिम राजस्थान जोधपुर संभाग की बात करें तो यहाँ के तासीर है 50 डिग्री तक तो सहन करने की क्षमता हमने देखी है, कवर किया है। जब पारा 50 पे था तो फलौती की सड़कों पर, हालांकि उस वक्त बर्फ ये सड़क पिघल रही थी उस वक्त भी हमने देखा तो, लेकिन लोगों पर तासीर है सहन शक्ति की। मगर जो अब हालात जिस तरह के साथ
में जो मौसमी बीमारियों ने जन्म ले लिया उससे थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि अभी आप देखिए कि पोस्ट कोविड के बाद की जो बातें करें तो काफी कुछ घबराहट होना है वो सबसे बड़ी बात। तो गर्मी में सबसे अधिक अगर लाइट नहीं है, मान के बिजली कटौती का भी दौर बीच बीच में चल रहा है, तो ऐसे में चुनौतियां बड़ी है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने कहा कि ये समय थोड़ा सा जो लोगों के लिए है बड़ा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और आने वाले 2-3 दिन लू और आंधी का दौर भी रहेगा, तो और थोड़ा सा लोगों के लिए परेशानी बनी रहेगी आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए।